जान माल इज्जत आबरू की मौला हिफाजत। लेकिन आप मेरे ख्याल से शायद तीसरा दिन है कि आप अपने घरों के अंदर और हुकूमत ये कह रही है कि आप घर से बाहर न निकलें। ये घर में रहना आपका आपके लिए बहुत बेहतर है। और अगर किसी जरूरी सबब से किसी वजह से अगर आप घर के बाहर निकले तो कोई इमरजेंसी अगर हो तो आप निकल सकते हैं, वरना आपका आपके घर में रहना जो है वो आपकी हिफाजत के लिए जरूरी है। इस माहौल में, इस मुसीबत में, इस परेशानी में मैंने उम्मीद तौर पर यह देखा कि लोग डर तो बहुत हो लेकिन उसके डर पर नहीं आ रहे जिस डर पर आने की जरूरत है। डर अपनी जगह है। हमारे और हमारे मराने में ये कहा कि एक केंद्रीय डॉक्टरी तौर पर भी है कि केंद्रीय होती है, भीड़ होती है, वो कहीं ज्यादा ना हो। और चूंकि जान को बचाना जाती को जरूरी है इसलिए हम अपनी जान की हिफाजत करते हैं। लेकिन वाकयात जो मुझे दो तीन चीजें समझ आए अगर आप महसूस करते हो मित्रों को, जैसे मसलन रमजान का महीने जब आता था तो रमजान के महीने में तीन दिन ऐसे होते थे कि 19-21 इन दिनों मुसाफिया नहीं करते थे और मना किया जाता था। मैं पढ़ सकता हूँ समझना आप ही का काम कि इन तीन दिनों में मैं समझता हूँ कि इतने दिन जो आप तीन दिन से घर के अंदर हैं, अगर वाकई आप घर के अंदर रहे हैं और आपने अपनी परेशानी को महसूस किया है तो आज मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ये बदाय सुनकर आप खामोश नहीं रहेंगे। जिंदा आपकी सवालों के जन्म कर रहा हूँ कि आप और करें कि जब हम मुसाफिर के लिए मना करते थे लोगों से कि आप मुसाफिर आ जाइए तो न करें भाई, काबिल बम की तारीफ है इसमें मुसाफिर न करें। आपका वक्त है इमाम रुखसत हुआ है इसलिए मुसाफिर न करें, हसनैन अलैहिस्सलाम यकीन हुए इसलिए मुसाफिर न करें। तो लोग हमसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे और अजीब अजीब तरीके से बातें करते, आप तो मुसाफिर को मना कर दे रहे हैं, आप तो मुसाफिर को मना कर दे रहे हैं। वाकई अगर आपने मोहम्मद की मोहब्बत अगर कोई हाथ नीचे भी रहे तो आपके समाजों के साथ कर रहा हो अरे हाँ आप लोग तो अजीब है मुसाफिर मना कर रहे हैं, मुसाफिर मना कर दे रहे हैं। आज वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए कि मुसाफिर क्यों नहीं कर रहे। तो आप ऐसी किताबों को पढ़ते हैं।
उन्होंने इस हदीस को लिखा, क्या लिखा कि हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब अज़ीज़ाने मुहतरम इसमें एक जुमला बिल्कुल आम फहम है, बिल्कुल आम फहम आम जुमला है, हर आदमी उसको समझ सकता है कि नबी ने कहा मेरा हुसैन मुझसे है। तो जाहिर सी बात है जब तक नाना ना हो नवासे का वजूद मुमकिन नहीं। तो हर दुनिया का नवासा जो होता है वो नाना से होता है, लेकिन आगे ये पढ़कर कहना मैं हुसैन से हूं, देखिए किसी और ने कहा होता तो बात नजरअंदाज कर दी जाती, लेकिन बात वो कह रहा है जो कायनात का और अल्लाह का रसूल है, बात वो कह रहा है जिसके सदके में पूरी कायनात खल्क हुई है, जिसके सदके में यह जमीन का फर्श बिछाया गया, आसमान का शामियाना लगाया गया, आफ्ताब और मेहताब की कंदीले लटकाई गई, सितारों की चमकीली चमकियां काटी गई, हवाओं को चलाया गया, दरिया को रवानी बख्शी गई, समंदर को वजदानी बख्शी गई, फूलों को महक बख्शी गई, शब्दों को लहर बख्शी गई, घड़ियों के घड़ियाल बख्शे गए, और ये उस नबी के सदके में जिसके सदके में कुल कायनात खत हुई, वो नबी ये कह रहा है कि मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। देखिए कहने वाला वो नबी है जिसके कहने से हमने बिना देखे मलाइका को मार लिया, कहने वाला वो है जिसके कहने से हमने बिना देखे हूरों को मार लिया, कहने वाला वो है जिसके कहने से हमने बिना देखे सरसबीन को मार लिया, कहने वाला वो है जिसके कहने से हमने बिना देखे उले सिरात को मार लिया, कहने वाला वो है जिसके कहने से हमने जन्नत को मार लिया, कहने वाला वो है जिसके कहने से हमने बिना देखे जहन्नम को मार लिया, कहने वाला वो है जिसके कहने से हमने बिना देखे उले सिरात को मार लिया। हद तो ये है कि कहने वाला वो है कि जिसके कहने से हमने बिना देखे खुदा को मार लिया, बिना देखे हमने खुदा को मान लिया, भाई बिना देखे हमने खुदा को मान लिया। अब इसी बात पर तो मुसलमानों की रोना आता है कि नबी की हर वो बात मुसलमान मानने को तैयार है, जिसको नबी दिखाए नहीं खाली जबान से बता दे, लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं है जिसके हाथों में बरन करके दिखा भी रहा है और साथ साथ बता भी रहा है। एक सलवात भेजे और मोहम्मद करके नबी ने ले जा करके कुरान की मोहर लगा दी।
अब ये कयामत तक के औलादे हुसैन औलादे नबी कहलाएगी, औलादे नबी कहलाएगी कयामत तक के। अच्छा अब अजीजाने मोहतरम यहां पर एक जुमला और कहूंगा कि भाई अल्लाह ने ये कहा कि इनसे ये कहो कि ये अपने बेटों को लाए और तुम अपने बेटे को लाओ, तो मैं हाथों को जोड़ के कहो पालने वाले परदिगार ये सब कहो सब अल्लाह कि जिसके बेटा ना हो उससे ये कह दो कि बेटे लेके आए, जिसके बेटे ना हो उससे ये कहो कि बेटे लेके आए। तो आवाज कुदरत आई कि ऐ नबी ना ही अपने बेटों को और ना तुम अपने बेटों को। मैं पहुंच गया नबी के पास, मैंने हाथों को जोड़ा, मैं समझता हूं एक साल की इबादत इस जुमले पे है अगर आपने समाज करवाई। मैं पहुंच गया नबी के पास, मैंने हाथों को जोड़ा, मैंने कहा या नबी अल्लाह आपके को कोई औलाद नहीं, औलाद में लड़की है। और वो कह रहा लाओ अपने बेटों को, ये लाए अपने बेटों को और तुम लाओ अपने बेटों को। तो या नबी अल्लाह औलाद कहां से लेके आइएगा? नबी ने कहा सुबह मैं तुमको बताऊंगा औलाद मिलती कहां से। सवाल
امام مظلوم کربلا کے لیے جناب رسول خدا نے کہا. ایک وجہ تو یہ تھی کہ چونکہ اولاد کے ذریعے سے نام باقی رہتا ہے, اور دوسرا سبب علماء نے یہ لکھا کہ انسان ہمیشہ باقی رہتا ہے اپنے مشن کے سبب سے. جو مشن اس کا ہوتا ہے اسی کے سبب سے. مثلا آپ نے کوئی فیکٹری بنائی, تو اب جب تک وہ فیکٹری رہے گی وہ نام رہے گا, تب تک آپ کا نام باقی رہے گا. جب تک فیکٹری رہے گی, جب تک نام رہے گا, جب تک نام آپ کا باقی رہے گا, تو اب جناب رسول خدا کا مشن ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ. تو اب اللہ نے بولتا اس کو بچایا کس نے ہے؟ امام مظلوم کربلا نے. تو چونکہ مشن بھی باقی رہا حسین کے ذریعے, اور انسان کی زندگی جو ہوتی ہے کہا دو سبب سے, ایک اولاد کی وجہ سے, دوسرے مشن کی سبب سے. میں ایک جملہ کہوں, سارے مولانا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کا مقصد یہ ہے, کربلا کا مقصد یہ ہے, کربلا کا مقصد یہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے واضح تو ہو ہی نہیں سکتا. کربلا کے مقصد کا نام بھی ہے علی ولی اللہ. کربلا کے مقصد کا نام بھی ہے علی ولی اللہ. کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر وضاحت کروں گا, آج اس پر بات چونکہ نہیں کر رہا ہوں. تو آپ عزیز آنے مطلب چونکہ دو وجہ سے, یا تو نام باقی ہوتا ہے اولاد کے ذریعے سے, یا نام باقی رہتا ہے مشن کے ذریعے سے. مثلا مثال کے طور پہ اب مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ اس پہ شامل ہیں مناجات کا پروگرام کرتے ہیں. اب یہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے حیات ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو سبھی کو کنفرم بھی مرنا ہے ایک نہ ایک دن. تو اب جب تک وہ مناجات کا پروگرام رہے گا تب تک جو لوگ اس کے بانی رہیں گے ان کا نام برقرار رہے گا. اب نبی کا مشن ہے اسلام, اور امام مظلوم کربلا نے اس کو بچا لیا. اور چونکہ آج ایک مجلس ہوتی تھی جام دورہ کی کربلا میں, اور خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب مرحوم پڑھتے تھے, اور اب کی اس طریقے سے نہیں ہو سکے. میں سمجھتا ہوں سوال اس کو بھی شامل کر دوں کہ بڑا خوبصورت جملہ خطیب اکبر نے کہا کہ سن 60 ہجری تک حسین و مدنی, یہ کہہ سکتا سن 60 ہجری تک حسین و مدنی, اور سن 61 ہجری سے امام حسین. یعنی 60 ہجری تک نبی سے حسین ہے, اور 61 ہجری سے حسین سے نبی ہے. اب قیامت تک کے لیے نبی سے حسین سے نبی ہے. کیونکہ اب جب تک اللہ اکبر کی آواز آئے گی, اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آئے گی, یہ احسان کس کا ہے؟ حسین ابن علی کا. یہ حسین ابن علی کا احسان. لیکن میں عزیزان محترم یہاں پر تیسری بات کرنے جا رہا ہوں. علماء نے دو وجہ لکھی. کیا دو وجہ لکھی؟ کہ ایک وجہ تو یہ لکھی کہ نام باقی رہتا ہے کس کے ذریعے سے؟ اولاد کے ذریعے سے. دوسری وجہ یہ کہ نام باقی رہتا ہے مشن کے ذریعے سے. لیکن میں یہاں پر تیسری بات کر رہا ہوں, اور وہ دلیل دوں گا قرآن سے آپ کو. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اولاد کے ذریعے سے یا مشن کے ذریعے سے, لیکن یہاں پر نبی نے نہ اولاد کی بات کی ہے نہ مشن کی بات کی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پہلے حدیث کو سنیے. حسین و مدنی یہ ایک حصہ ہے, وا اس کو الگ کر رہا ہے, وا کے معنی تو عربی میں اور بھی. حسین و مدنی یہ ایک حصہ ہے, انا من الحسین یہ دوسرا حصہ ہے. اب جملے کو محسوس کیجئے گا, حسین و مدنی ایک حصہ ہے, انا من الحسین دوسرا حصہ ہے, واو پچھلے میزان کے ہے. نہیں آپ تک بات سے نہیں پہنچی. واو پچھلے میزان کے ہے. بھئی آج کی زبان میں آسان کر دوں, میزان ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ سمجھ پا رہا ہوں. یہ واو بالکل ترازو کے اس پلے کی طرح ہے. ایک پلے میں حسین و مدنی ہے, دوسرے پلے میں انامل حسین ہے, لیکن دونوں جملوں کا وزن اتنا برابر ہے. نہ ایک پلہ ادھر جھک رہا ہے, نہ دوسرا پلہ ادھر جھک رہا ہے. بات ہے برابر کی. اب یہاں پر جو نبی نے بات کی ہے کہ میرا حسین مجھ سے, یہ بات ہے وجود کی. یہ بات ہے وجود کی. نبی نے کہا اگر میں نہ ہوں تو حسین نہ ہو, کیونکہ نانا کے بغیر نواسے کا وجود ممکن نہیں. ابھی کہہ رہے اگر میں نہ ہوں تو حسین نہ ہو, تو پھر ماننا پڑے گا دوسرے جملے کے بھی مانے یہی ہوں گے کہ اگر حسین نہ ہو تو نبی نہ
भाई, पहले जुमले के माने ये है कि अगर मैं ना हूं तो हुसैन का वजूद ना हो, तो फिर दूसरे जुमले के भी माने यही होंगे कि अगर हुसैन ना हो तो नबी का वजूद ना हो। तो फिर कहने के लिए हुसैन की बका का नाम नबी है और नबी की बका का नाम हुसैन है। भाई बात बराबर की है ना, या कहिए थोड़ा और आसान कर दूं, हुसैन की बका का नाम मोहम्मद है, मोहम्मद की बका का नाम हुसैन है। अगर मोहम्मद ना हो तो हुसैन ना हो, और अगर हुसैन ना हो तो मोहम्मद ना हो। मैंने कहा मैं दलील दूंगा कुरान से, आप कहेंगे कुरान से क्या दलील है, आइए कुरान की तरफ चलते हैं। कुरान के एक सूरे में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह का एक नबी है जिसे खलील भी कहा जाता है, जनाब इब्राहिम। उन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब क्या देखा है, ख्वाब ये देखा है कि मैं अपने बेटे इस्माइल को खुदा की राह में जिबा कर रहा हूं। अच्छा ख्वाब देख लिया, बेटे से बयान कर दिया, बेटा भी मासूम है, बाप भी मासूम है। बेटे से कहा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जनाबे इस्माइल ने भी ये ख्वाब देखा। तो उन्होंने फौरन कहा कि बाबा आप अपने ख्वाब की ताबीर कीजिए, इंशाअल्लाह मुझे सागरों में पाएगा, इंशाअल्लाह मुझे सागरों में पाएंगे। यानी इब्राहिम के ख्वाब को देखा और लेके चले बेटे को। अब एक हाथ में छुरी ले ली, रस्सी ली, बेटे का हाथ लिया, लेके चले, लेके चले। अच्छा इधर ये चले, उधर इब्लीस चला। कुरान से पढ़ो, इधर ये चले, उधर से इब्लीस चला। अच्छा इब्लीस चला, अब सबसे पहले पहुंचा किसके पास, जनाब इब्राहिम के पास, और जाके कहने लगा जनाब इब्राहिम से कि ख्वाब को मैं भी देखता हूं। क्या कहा, कि ख्वाब को मैं भी देखता हूं। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि बेटे के गले में छुरी लग दूं। तो जनाब इब्राहिम ने ककड़िया उठाई, लाहौर पढ़ के इनके ऊपर मारी। अब ये लाहौर तो इनके लिए परमाणु बम का काम करता है। फौरन जैसे ही ये कहा फौरन भागे, लेकिन इनकी एक आदत ये होती है, ये पूछते जरूर पहचाना कैसे। तो जनाबे इब्राहिम ने कहा जो नबी को अपना जैसा कहे, जो नबी को अपना जैसा कहे वो इब्लीस होता है। लेकिन जनाबे इब्राहिम तो उसी वक्त के लिए नहीं कहा, कयामत तक के लिए कह दिया, जो भी नबी को अपना जैसा समझे वो इब्लीस होता है, चाहे अभी समझे या कभी समझे। अच्छा चलिए अब यहां से निकला, अब किसके पास पहुंचा, बेटे के पास। पहले बाप के पास पहुंचा, फिर बेटे के पास पहुंचा, और कहने लगा तुम्हारे बाप ज़ईफ़ हो गए। देखिए कुरान जो है वो इशारों में गुफ्तगू करता है। पहुंच गया जनाबे इस्माइल के पास और जाके कहने लगा तुम्हारे बाप ज़ईफ़ हो गए, माशाल्लाह तौबा, ज़हन काम नहीं कर रहा है, तुम्हें ले जाकर ज़िबह कर देंगे। बस ये कहना था कि जनाबे इस्माइल ने भी ककड़ियां उठाई और लाहौर पढ़ के मारी, फिर ये भागे। लेकिन फिर जाते जाते पूछा पहचाना कैसे, कहा जो नबी के जहन पर शक करे, बड़ी जो नबी के जहन पर शक करे वो इब्लीस होता है, जो नबी के जहन पर शक करे वो इब्लीस होता है। अब तारीख आप उठा के देखिए, किताबें उनकी उठा के देखिए कि कोई ऐसा था जो जनाबे रसूल खुदा के जहन पर माशाल्लाह तौबा शक कर रहा था, तो वहां जनाबे इब्राहिम ने बता दिया जो शक करे वो इब्लीस होता है। तो अब अगर कोई नबी के वक्त आखिर नबी के जहन पर शक करे तो वो भी इब्लीस है। अच्छा चलिए अब ये दो जगह हो गई। अब आजकल तो बहुत खराब मैच है, सब कैंसिल हो गए, लेकिन कभी कभी हिंदुस्तान का पाकिस्तान से मैच होता है, पाकिस्तान का कभी हिंदुस्तान से होता है, कभी हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान जाते हैं, कभी पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान आते हैं। अच्छा किसी मैच में आदमी दिलचस्पी लेकर ले, इन मैचों में जरूर लेता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मैच होता है। अच्छा कुछ पीछे होती है, कई इस पिच पे तो कभी हम हारे ही नहीं, इस पिच पे कभी
हम हारे ही हूं। तो अब इंसान मतलब कुछ पिछे ऐसी होती है। तो अब इबलीस दो पिच पे तो हार गया, लेकिन जो तीसरी पिच थी उस पर उसे बड़ा यकीन था, क्योंकि साबित में भी दो नबियों की बीवी को गद्दा चुका था। अब पहुंच गया कहां, मां के पास। पहले किसके पास पहुंचा, बाप के पास, फिर किसके पास पहुंचा, बेटे के पास, फिर किसके पास पहुंचा, मां के पास। अच्छा, अब जो मां के पास पहुंचा तो कैसे पहुंचा, बिल्कुल मुकद्दा चुकद्दा होकर के, लिबास लिबास तब्दील करके, छड़ी वड़ी लेके, तस्बीह अस्बी लेकर के पहुंच गया। कहां पहुंच गया, जनाबे हाजरा के पास। अब भाई उस जमाने में फोटोग्राफी तो थी नहीं कि मैं वीडियो आपको दिखा दूं। हाँ, मंदिर जरूर पेश कर सकता हूँ, मंदिर जरूर पेश कर सकता हूँ। अब उसके बाद वो गया और जाकर के उसने दबुल बात किया। अब मसलन मिसाल के तौर पर आप रात का वक्त हो और आप अपने घर में बिस्तर में लेटे हुए, और कोई रात में इस वक्त जैसे आज का माहौल खराब चल रहा है, इस रात में कोई आपके दरवाजा खटखटा दे और आप अंदर से पूछे कौन, और वो कहे कि इब्लीस, तो क्या दुनिया में कोई आदमी आप मेरे सामने ऐसा ला सकते हैं जो दरवाजा खोले? अब जो खोलता भी होगा ताला लगा दे, इनके लिए कौन दरवाजा खोले। अब आप सोचिए कि वो गया और जाके तब कुछ बात किया, अब अंदर से पूछा गया कौन, तो आप जवाब क्या दे? अगर कहे इब्लीस तो दरवाजा खोलने दे रहा, तो इसने कहा हम उधर अंदर दवा खा रहा था, लेकिन दवा देने पर तो मैं अपनी बात तमाम कर रहा हूं। कहा हम उधर, जैसे कहा हम उधर, दरवाजा खुल गया, आगे पहुंचा। और उसके बाद उसने एक मरतबा कहा, क्या कहा, कहा बीबी आपका बच्चा कहा, जनाबे हाजरा से कहने लगा बीबी आपका बच्चा कहा। तो जनाबे हाजरा ने कहा कि जनाबे इब्राहिम दोस्त की दावत पे ले गए, अल्लाह है खलील कहलाते ना जनाबे इब्राहिम, तो अल्लाह ही कह दो गए, तो कहा इब्राहिम दोस्त की दावत पे लेके गए। तो जैसे उसने ये कहा जनाबे हाजरा ने, फौरन उसने कहा दावत आवत में नहीं ले गए, तुम्हारे बेटे को ले जाकर निभा कर देंगे। तो जनाबे हाजरा ने कहा भाई इब्राहिम के बेटा जो दिन चाहे वो करे। अब तो ये परेशान हो गया कि आज तो यहाँ की हाले जा रहे, कभी आज तक तो हाले नहीं थे। उसने जल्दी से दूसरा पैसा फेंका, उसने क्या कहा, उसने कहा बीवी बच्चे रोज रोज नहीं मिलते, बच्चे रोज रोज नहीं मिलते। अब ऐसी बात है कि मां थी घबरा गई, जैसे ही घबराई तो कहा फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना, क्या घर में बाहर निकलिए, पहाड़ पे जाइए, जाकर के अपने बेटे को बचा लीजिए। जनाबे हाजरा ने उठाई कम पढ़िया लाहौर पढ़ के मारी, फिर भागे, लेकिन जाते जाके फिर पलट के पूछा कि पहचाना कैसे। तो जनाबे हाजरा ने कहा कि नबी की जौजा को जो घर से बाहर निकलने का हुक्म दे होता है। यहाँ पर जुमला मैं पेश कर रहा हूँ मौलाना मोहम्मद इस्माइल देवबंदी का जुमला, कयामत का जुमला। मौलाना इस्माइल देवबंदी ने कहा अरे सुन्नत आलिम दीन से शिया हो गए थे, लाजवाब मनाजरे लगाते, मनाजरे में कोई जवाब नहीं था। कैफियत यह थी कि अगर सामने से आता हुआ कोई आदमी देखता था इनको, तो अगर जा रहा होता था मशरिक की तरफ तो उलट के चलने लगता था मगरिब की तरफ। इतना घबराते थे इनके मनाजरे से, इनके मनाजरे से इतना घबराते थे। लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ी सी वजाहत कर दूं ताकि जुमला आप आसानी से समझ सके। देखिए जनाबे हाजरा, जनाबे हाजरा सिर्फ नबी की जौजा नहीं है बल्कि एक नबी की मां भी है, यानी शौहर जनाबे इब्राहिम और जौजा जना शौहर है जनाबे इब्राहिम की जौजा है। और अजीजाने मोहतरम गौर करने वाली बात यह है कि जनाबे इस्माइल की मां भी है, यानी एक मासूम की जौजा है और एक मासूम की मां है। अब जुमला आपकी सवाल तो कहता तो चाहे जैसे सुन लीजिएगा, ऐसी दाद दिएगा कि मेरे हक में भी दुआ हो जाए और जनाबे मौलाना मोहम्मद इस्माइल देवबंदी के भी हक में दुआ हो जाए। जुमला आपके समाज तो कहना कर रहा हूँ, जनाबे मौलाना मोहम्मद इस्माइल देवबंदी कहते हैं
یقیناً جناب حاجرہ بھی بہن جاتی اگر صرف نبی کی زوجہ ہوتی، لیکن چونکہ ایک معصوم کی ماں بھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر بیٹا ہو اور معصوم ہو تو پھر بہنتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پر جو میں نے گفتگو تمام کر دی، بات کہاں سے میں لے کے چلا تھا کہ تیسری وجہ میں بیان کر رہا تھا۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ کا وجہ تیسری یہ ہے، تیسری وجہ یہ ہے کہ بات ہو رہی وہاں وجود کی۔ بہت غور سے سنیے گا، بڑی محنتوں کے نتیجے جو آپ کے اس وقت حوالے کر رہا ہوں۔ کب بات ہے وجود کی، بس یہ آخری بات یہی سے مذاق کی طرف آ جاؤں گا۔ بات ہے وجود کی، بات ہے وجود کی۔ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نہ ہوں تو حسین نہ ہو، تو پھر اگر حسین نہ ہو تو نبی نہ ہو۔ اب عزیزان محترم، قرآن یہ کہتا ہے، جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو لے ڈالا، گلے پہ چھری رکھی، جلانا چاہتے ہیں کہ بیٹے نے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت میں ہاتھ رجنے لگے۔ بس یہ کہنا تھا، جناب ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، چھری کو چلا دیا، لیکن اللہ نے فوراً جناب جبریل کو بھیج کر کے جناب اسماعیل کو ہٹا کر کے وہاں پر دمبے کو لٹا دیا، دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گئے۔ اب مجھے مثال دینے میں آسانی ہے، یہ پیچھے گلی ہے، مجھے یاد ہے بچپنے میں ہم لوگ اس گلی میں جانے میں تو قدم نہیں کرتے تھے۔ وجہ یہ ہوتی تھی کہ بالکل اتنا سناٹا رہتا تھا اس گلی میں، تو بہت ڈرتے تھے ہم لوگ بچپنے میں۔ اگر جانا دوڑتے ہوئے، میں مجھے یاد ہے کہ دوڑتے ہوئے اونچی اونچی دیواریں اور پتلی سی گلی، اب اس سے گزر رہے ہیں، تو بچپنا تھا۔ بچپنے میں اگر مان لیے پٹا لیے کہ گلی سے ادھر تاج محل کی طرف نکلنا ہے تو دوڑتے ہوئے جاتے تھے، مجھے اچھی طریقے سے یاد۔ اب کسی طرح کی کسی گلی سے آپ گزر پڑے اور سامنے کوئی آدمی آ جائے، اور آ کے یہ کہے کہ بھائی جو کچھ ہو نکال دو، تو اب چونکہ جان کا بچانا ہے لازم، تو فوراً ہم نے سب کچھ نکال کے دے دیا، کیونکہ جان رہے گی تو پھر کم آ جائے گی۔ تو جو چیز افضل ہوتی ہے اس کو بچا لیا جاتا ہے، جو چیز مبذول ہوتی ہے، پوری مجلس ایک طرف، یہ میری بات ایک طرف، اسی پہ پوری مجلس کا نکال ہے۔ جو چیز افضل ہوتی ہے اسے بچا لیا جاتا ہے، جو مبذول ہوتی ہے اسے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اب عزیزان محترم، آپ غور کیجئے کہ جناب اسماعیل بن گئے، تو جب جناب ابراہیم کی آنکھوں کی پٹی کھلی، ہاتھوں کو اٹھایا، کا پالنے والے پرنگار، کیا یہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کہا نہیں، ہم نے اس قربانی کو قبول کر لیا اور بدل دیا ذبح عظیم سے۔ بدلا کس سے؟ ذبح عظیم۔ چار کی تعریف بھی آپ کے ذہن میں ہوگی، بدلا کس سے؟ کہا ذبح عظیم سے۔ کہا ذبح عظیم کون ہے؟ کہا آخری نبی کا نواسا، یعنی امام حسین نے اپنے آپ کو قربانی دے کر کے جناب اسماعیل کو بچا لیا۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں، آقا حسین، آپ نے اسماعیل کو بچا لیا، حالانکہ آپ فخر اسماعیل ہیں، آپ اسماعیل سے افضل ہیں، پھر آپ نے اسماعیل کی جان کیوں بچائی؟ عجب نہیں حسین جواب دے کہ کیسی باتیں کر رہا ہے، میں نے اسماعیل کو نہیں بچایا۔ میں یہی تو جملہ تھا، آپ تک پہنچا نہیں، کہا میں نے اسماعیل کو نہیں بچایا، میں نے اس نسل کو بچایا ہے جس نسل میں میرے نانا کو آنا ہے۔ اگر یہ نسل منقطع ہو جائے گی تو میرا نانا وجود میں نہیں آئے گا۔ میں نے اسماعیل کو نہیں بچایا، میں نے اپنے نانا کو بچایا ہے۔ اب حدیث رسول سمجھ میں آ گئی، حسین و منی وانا من حسین، اگر میں رہوں تو حسین نہ ہو، اگر حسین نہ ہو تو میں عظیم نہ بنتے تو نسل منقطع ہو جائے، پھر نبی کا وجود نہ، اور پھر نبی حسین نے تو نبی کے وجود کو بھی بچایا اور نبی کے دین کو بھی بچایا، نبی کے دین کو بھی بچایا، نبی کے وجود کو بھی بچایا۔ اس ماحول میں اتنے لوگ ایسے ہوتے جو باہر پردیش میں کام کرتے،
और इस वक्त परदेश अपने जिस परदेश में जहां पर उन्होंने एक छोटा सा घर भी बनाया, चाहे वो किराए पर हो या खुद बनाए, उस घर को छोड़ के आए। इंसाफ की बात बताइएगा, अपने आप को सामने रख के जब उस घर को छोड़ के आए होंगे तो हसरत से देखते हुए आए होंगे। क्यों? इसलिए कि पता नहीं कब आना नसीब, पता नहीं क्या हालात बने, पता नहीं क्या माहौल बने, लेकिन ये मालूम होगा कि आज नहीं कर हम दोबारा लौट के आए। अल्लाह ने इमाम बदू के करबला की मजबूरी, जब मदीना छोड़ के जा रहे हैं तो हसरत तो यार के तरह बीमार हो रही है। कभी माँ की कब्र पे आते हैं, कभी नाना की कब्र पे आते हैं। हाँ, दादा इमाम बदू में करबला तारीफ ये कहती है कि हुसैन की रातें बड़ी बेचैनी से गुजरती, पूरी पूरी रात माँ के पद पर गुजारते, आवाज देते थे अम्मा अब आपके लिए ये गुजार के लिए मदीना भी तंग हो, कभी नाना की कब्र का। हाँ, दादा ने माँ बसू ने करबला किस तरीके से इमाम हुसैन उत्सव हुए तारीफ में लिखा कि इमाम हुसैन ने मौला अब्बास से कहा कि एक अकेले पर हो और एक एक के नाम लिखवाना शुरू। लेकिन जब अब्बास सबके नाम लिखा रहे लिख रहे थे, इमाम हुसैन लिखवा रहे थे, एक नाम नहीं, वो नाम जानते किसका था, वो हुसैन की बीमार बेटी का। हाँ, दादा ने इमाम मस्जिद में करबला गिरते हुए आंसुओं में दुआ किए कि अल्लाह हमें मुसीबत और आफत से महफूज रखे। हाँ, दादा ने इमाम मस्जिद में करबला अगर आपकी आंखों से सच्ची नीयत और खुलूस के साथ एक आंसू गिरा तो उस आंसू के सदके में ये बीमारी हम सबसे दूर रहे और महफूज रहे थे। हाँ, दादा ने इमाम मस्जिद में करबला सबको हुसैन ले जाते, लेकिन अपनी बेटी को ले जाते, जनाब फातिमा सुबरा कभी फूफी के पास आती है, कभी आती है फूफी के पास और कभी आती है चचा के पास, और यहाँ तक कि अपने भाई अकबर के पास आके कहती है भैया अकबर आप बाबा से क्यों नहीं कहते कि सबको तो ले जा रहे हैं, आप मुझे क्यों नहीं ले जाते। बाबा तो अपनी बहनों को ले जा रहे हैं, क्या आप अपनी बहन को ले के चलेंगे। हाँ, दादा इमाम मसूम में करबला किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इमाम मसूम में करबला से चले, लेकिन हाँ शहजादी ज़ैनब ने जरूर कहा कि भैया आखिर आप फातिमा सुग़रा को ले के आवाज दी, बहन ले इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि मेरी जितनी भी बेटियां हैं उनकी शक्लें या तो तुमसे मिलती है या मेरी बहन से लिखती है, लेकिन ये बाहिर मेरी बेटी फातिमा सुग़रा है जिसकी शक्ल मेरी माँ से मिलती है और मैं नहीं चाहता कि बाजार और कूफे शहर में मेरी माँ की छवि। जज़ाकुम रब्बकुम खैरन जज़ा, खुदा किसी को परेशान बीमार का हुसैन के बस चंद आंसू, उसके बाद मैं जिस तमाम होते पढ़ के मैं जिस तमाम कर दूँ, यहाँ तक के एक एक बीबी जनाब फातिमा सुग़रा से रुख्सत होने के लिए आई आती जाती थी, अपने अपने कमरों की अपने अपने हुजरों की चाबियां देती जाती थी, जनाब फातिमा सुग़रा रुकती जाती थी, यहाँ तक के जब सब जाने लगे तो एक मरतबा जनाब रबाब ने आवाज दी कि असगर को लाया जाए। इमाम मस्जिद में करबला ने देखा कि असगर जनाब फातिमा सुग़रा की गोद में थे, आखिरी जुमले पर इस तरह
सारे रात के वास्ता है तुम्हारे मुकद्दस सलात तक और तेरे पाक का वास्ता है तेरे वास्ता के लोगों का हमारी इस मुकद्दस की इबादत को कबूल फरमा हमारे नाम सबको हमारे साले की तौफीक हमारे नाम सबको जिंदगी हासिल करने की तौफीक हमारे नाम जहां कहीं भी शिया ने हैदर जरात की जान मार इज्जत आबरू की मदद हमारे नाम तुम्हारे हक का साया हमारे सरों के बाप हमारा इंतजाम तो सिपाही के जाने वाले रोजों पर की हिफाजत मकाम आते मुकदसा की हिफाजत हमारे नाम पूरी दुनिया में मौला के कितने भी चाहने वाले और जितने भी लोग हम सबको इस कोरोना वायरस से महफूज जिस मना अहले बैत अलैहि सलाम को उस कोरोना वायरस से जैसे तो महफूज करो हमारे नाम हमारे दिलों का मोहम्मद की मोहब्बत से शराबोर करो इनके दुश्मनों से निजारी से शराबोर करो हमारे नाम मरहूम के दर्जात वाली करो ये जवान मासूम की नजरा में जगह करो हमारे नाम रहीम करीम भी है हमारे दिलों का मोहम्मद की मोहब्बत से शराबोर करो इनके दुश्मनों से निजारी से शराबोर करो इमाम जमाना के दुहूर में तालीम करो और तीन मरतबा सूरज कबीर की रात बता के महूम सैद अकबाल हुसैन सिद्दीक इब्न सैयद अल्ताफ़ हैं।